मटन शॉप में टाइगर। मार्कापुर नाम का गांव एक जंगल के पास था। गांव से दूर और जंगल के पास एक झोपड़े में चकमा नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका कोई नहीं था, वो एक अनाथ था। वो अपने एक छोटे से खेत में सब्जियां उगाता था और उन्हें बाजार में बेच के पैसे कमाकर गुजारा करता था। एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था, तब उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए गया तो उसने एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे को देखा। सच तो ये था कि वो बिल्ली का बच्चा नहीं, एक शेर का बच्चा था। उसने उस बच्चे के माँ के लिए इधर उधर देखा, फिर उसे पालने के इरादे से वो अपने घर ले गया। यूं वो उस बिल्ली के बच्चे को दूध और मांस खिलाकर बड़ा करने लगा। उसने उसका नाम रखा टाइगर। चकमा टाइगर के साथ बात करते करते टाइगर को इंसानों की बोली समझ में आने लगी। यूं चकमा जो भी कहता टाइगर वो करता। यदि चकमा गेंद फेंक के उसे लाने को कहता तो टाइगर उसे ले आता। यदि चकमा छड़ी फेंक कर लाने को कहता टाइगर छड़ी ले आता। यूं चकमा जो भी कहता टाइगर उसकी बात को मानता था। यूं कुछ दिन बीत गए। अब टाइगर बड़ा शेर बन गया। चकमा, बाप रे, ये तो शेर है, मैं तो इसे बिल्ली समझता था। अब मैं क्या करूं? इसका नाम टाइगर एकदम सही बैठा है, मैं इसे जंगल छोड़ दूं? ना ना, ये वहाँ जिंदा नहीं बचेगा। अब मैं इसे ऐसा ट्रेनिंग दूंगा कि ये मेरे काम आए, वही इसके लिए अच्छा है। यूं सोचा, फिर वो टाइगर से, ए टाइगर, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम ज्यादा खाने लगे हो, अब तुम्हें खिलाना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए तुम हर रोज सवेरे जंगल में जाया करो और वहाँ तुम अपने लिए कुछ जानवर का शिकार करो और कुछ मेरे लिए भी लेकर आना, ठीक है? अब तुम जाओ, गुड बॉय। यूं कहते ही टाइगर जंगल की ओर भागा। शाम को जब वो लौटा तो उसने अपने मुंह में एक हिरन को दबोच रखा था। उसे देखते ही चकमा, अरे वाह टाइगर, तुम मेरे लिए हिरन लेके आए हो, शाबाश, इसका मांस खाए कई दिन हो गए हैं, शाबाश टाइगर, शाबाश। यूं टाइगर की प्रशंसा करते हुए उसने हिरन का मांस पकाया और टाइगर को भी खिलाया और खुद भी खाया। यूं टाइगर हर रोज जंगल में जाता, कभी खरगोश, कभी जंगली सुअर, कभी जंगली मुर्गी, कुछ ना कुछ पकड़ कर ले आता। चकमा टाइगर की प्रशंसा करता और वो जो भी ले आता उसे पकाकर खुद भी खाता और टाइगर को भी खिलाता। एक दिन टाइगर बिना कोई शिकार किए वापस लौटा। तब चकमा, क्या हुआ टाइगर, आज तुमने कोई शिकार नहीं किया, तुम्हें जंगल में कोई जानवर नहीं दिखाई दिया? तब टाइगर ने हाँ कह के सिर हिलाया और चिंघाड़ने लगा। तब चकमा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, अब मैं अपनी और उसकी भूख कैसे मिटाऊं? यूं सोचा। फिर टाइगर, एक काम करो, तुम चुपके से गांव के अंदर जाओ और सबकी नजरें बचाकर एक मुर्गी पकड़ कर ले आओ। ऐसा कहा। टाइगर भी चुपके से गांव में गया और एक घर के सामने से बहुत सारे मुर्गियों में से एक मुर्गी को पकड़कर वो चकमा के पास ले आया। चकमा ने उसे पकाया और दोनों ने मिलकर खाया। अगले दिन चकमा, यार टाइगर, हर रोज मुर्गी खा खा कर उब गया हूँ, तुम जाओ और चुपके से गांव में से एक बकरी चुरा कर ले आओ। ऐसा कहा। तब टाइगर ने ठीक है कहकर सर हिलाया और जब गांव में बकरी को ढूंढने लगा तो तब उसकी नजर एक मटन की दुकान पर पड़ी। दुकान का मालिक दुकान में नहीं था, वो किसी काम से बाहर गया था। टाइगर आकर उसके दुकान में बैठा। दुकान के मालिक ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और आकर मटन काटने लगा। तभी एक व्यक्ति आया और कहने लगा, भैया एक किलो मटन काट के देना। तभी उसकी नजर टाइगर पर पड़ी। वो अचानक, बाप रे, शेर, शेर, मटन, मटन कहकर चिल्लाने लगा। तब दुकान का मालिक, अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो, शेर का मटन, तुम्हारा दिमाग खराब है, कहकर उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर बाप रे, शेर, शेर कहकर चिल्लाते हुए दोनों वहाँ से भाग गए। टाइगर मटन लेकर वहाँ से चला। उसे जाते हुए देखकर सब गांव वाले मारे डर के भागने लगे। जो मटन टाइगर लेके आया उसे लेकर चकमा मटन पकाने लगा। वे दोनों मटन खा रहे थे कि तभी उनके घर के बाहर पुलिस की जीप में पुलिस वाले, वन विभाग के अधिकारी सब उतरे। सब ने मिलकर चकमा को पकड़ा और खूब मारा।
बाद में चकमा को पुलिस जीप में और टाइगर को वन विभाग के जीप में बिठाकर वहां से ले गए। वुडन टॉयज वर्सेस क्ले टॉयज। रामपुर नाम के गांव में भानु और लक्ष्मण नाम के दो भाई रहते थे। भानु लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचता था। उसके सामने ही एक और दुकान में लक्ष्मण मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचता था। उन दोनों की दुकानें आमने सामने थीं, लेकिन दोनों में बहुत प्यार था। उनके माँ बाप ने उन दोनों की शादी एक साथ ही की थी। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन जब भानु और लक्ष्मण बाहर से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि भानु की पत्नी मोक्षा और लक्ष्मण की पत्नी रितु दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लड़ रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के बाल नोचते हुए लड़ रहे थे। ये देखकर दोनों भाइयों ने उनकी पत्नियों को छुड़ाया। भानु मोक्षा से, अरे मोक्षा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? वैसे भी तुम दोनों सगी बहने हो, फिर आपस में यूँ लड़ क्यों रही हो? तब रितु, जीजाजी, आपकी पत्नी कोई साधारण औरत नहीं है, एकदम चुड़ैल है, साइको चुड़ैल। मैं इसे बचपन से देखते आ रही हूँ। मैं सोचती थी कि ये शादी करके कब यहाँ से दफा होगी, लेकिन आपने हम दोनों की शादी एक ही घर में कर दी और ये चुड़ैल मेरे सर पर आ बैठी है। तब लक्ष्मण, रितु, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर तुम दोनों बहनों में मतभेद है तो आपस में सुलझा लो, यूँ हमारे सामने तमाशा ना करो, गांव में हमारे इज्जत का क्या होगा? तब मोक्षा, हाँ हाँ, बड़े आए इज्जत की बात करने वाले। अरे अपनी पत्नी की पल्लू पकड़ के घूमते रहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें देवर जी? कहकर अंदर चली गई। कुछ दिनों बाद भानु और लक्ष्मण काम के सिलसिले में बाहर चले गए। मोक्षा और रितु दुकान में बैठी थीं। रितु के दुकान पर कुछ ग्राहक आए और रितु उन्हें खिलौने बेचने लगी। ये देखकर मोक्षा, अरे भैया, उस कलमुही की दुकान में क्या खरीदोगे? अरे मेरे दुकान पर आओ और खरीदो। है, इसने तो सवेरे से नहाया भी नहीं है। मेरे पास यहाँ पर एकदम सुंदर और बढ़िया खिलौने हैं। यहाँ के खिलौने टिकाऊ है भैया। उसके खिलौने को जमीन पर गिराओगे तो टूट कर बिखर जाएंगे, लेकिन मेरे खिलौने टूटेंगे नहीं। इन्हें तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर रितु, अच्छा तो ये बात है, चलो तुम्हारे दुकान को मैं आग लगा देती हूँ, तब तुम्हारे सारे खिलौने जल जाएंगे। लेकिन अगर मेरी दुकान को आग लग भी गई तो कुछ नहीं होगा, और भी मजबूत हो जाएंगे मेरे खिलौने। ये सुनकर मोक्षा रितु के दुकान की ओर गई। वहाँ दोनों ग्राहकों को भूलकर आपस में लड़ने लगे। ये सब देखकर जब भानु और लक्ष्मण गांव लौटे तो गांव वालों ने उन दोनों को सब कुछ बताया। तब दोनों जाकर अपने पत्नियों को खूब डांटने लगे, लेकिन वे दोनों बहनें बिल्कुल नहीं सुधरी। यूं कुछ दिन बीत गए। एक दिन उन दोनों के दुकानों के पास बिजली नाम की एक औरत ने प्लास्टिक के खिलौनों का दुकान खोला। नतीजा ये हुआ कि मोक्षा और रितु के दुकान के पास ग्राहकों का आना कम हो गया। बिजली के दुकान में ग्राहक खूब जाने लगे। इस तरह उन दोनों का धंधा ठप हो गया। उनके पति भी कुछ कमा कर लाते नहीं थे तो दोनों को खाने के लाले पड़ गए। तब उन दोनों को बहुत गुस्सा आया। वो दोनों मिलकर बिजली के पास गए। मोक्षा बिजली से, अरे ओ चुड़ैल, ये दुकान यहाँ से जल्दी से हटाती हो कि नहीं, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तब रितु, अरे हाँ बिजली, मेरी दीदी की बात मान लो, वो बहुत बड़ी चुड़ैल है, साइको चुड़ैल। वो ऐसी चुड़ैल है कि सगी बहन को भी नहीं छोड़ती है। तुम्हारा वो हर्ष करेगी कि याद रखोगी। तब बिजली, अच्छा तो तुम दोनों बहनें इतनी बड़ी गुंडे हो, तो आ जाओ, एक एक हाथ हो जाए। कहकर तीनों लड़ने लगे। बिजली ने दोनों बहनों को खूब मारा। बिजली के मार को सह नहीं पाकर मोक्षा और रितु दुकान छोड़कर वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद गांव के बाहर भानु और लक्ष्मण के पास बिजली पहुंची। बिजली उन दोनों से, अरे भैया, तुम दोनों अपनी पत्नियों को ये ना बताना कि मैं तुम दोनों के ताई की बेटी हूँ। मैंने उन दोनों को खूब मारा, थोड़ा ज्यादा ही मारा मैंने। 4-5 दिन तक बदन का दर्द जरूर होगा उन दोनों को, लेकिन याद रखो भैया, उन पर तरस ना खाना। और हाँ, एक और बात, गलती से उन दोनों को हमारा घर ना लाना, वरना हमारा प्लान उन दोनों को पता चल जाएगा। कल जब मैं दुकान खाली कर दूंगी तो उन दोनों को दुकान पर ही बिठाना और उसे कहना कि अगर वो कुछ बेचेंगी तभी उनको खाना मिलेगा, तभी उनके अकल ठिकाने आएंगे। अगर हर रोज यूं किया तब उनको पैसों की अहमियत का पता चलेगा, तभी दोनों आपस में मिलजुल कर रहेंगे। कहकर वहाँ से चली गई।
अगले दिन से भानु और लक्ष्मण ने अपनी पत्नियों को अपनी दुकानों पे बिठाया। यूं मोक्षा और रितु खिलौने बेचते हुए खुशी खुशी रहने लगे।